प्रॉपर्टी डीलर पर हमले की वारदात का खुलासा। 50 बीघे जमीन को लेकर ताऊ के लड़के ने 3 लाख रुपए में दी थी सुपारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर पंकज पुंडीर पर फायर करने वाले 2 सुपारी किलर और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना का मास्टरमाइंड ताऊ का लड़का आनंद अभी फरार है। आनंद ने मेरठ के रहने वाले 2 बदमाशों को 3 लाख रुपए में प्रॉपर्टी डीलर भाई की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस घटना के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 21 जून को कोतवाली देहात के हलालपुर गांव निवासी पंकज पुंडेर सुबह खेत पर जा रहे थे, तभी 2 बदमाश वसीम और आरिफ पैदल उसका पीछा करते हुए खेत पर पहुंच गए। इनमें से एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी, जिससे वो बाल बाल बच गए और खेत में गिर गए। दूसरे बदमाश ने भी गोली चलाई, तभी प्रॉपर्टी डीलर ने शोर मचाया। आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिन्होंने आरोपियों की पकड़ कर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद हुए। बदमाशों से हुई पूछताछ के बाद मेहरबान बरकत और प्रॉपर्टी डीलर के ताऊ के लड़के आनंद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मेहरबान और बरकत को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड आनंद भी फरार है। पुलिस के अनुसार सुपारी किलर वसीम और आरिफ ने बताया कि 1.5 महीने पहले बरकत मुजफ्फरनगर आया था, जिसने पंकज की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी थी। उसकी हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में तय हुई थी और 10,000 रुपए पेशगी भी दी गई थी। बदमाशों के अनुसार बरकत ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर पंकज पुंडीर के ताऊ का लड़का आनंद उसकी हत्या करना चाहता है, जमीन को लेकर विवाद है। मेरठ के रहने वाले सुपारी किलर वसीम और आरिफ बस से सहारनपुर आए थे। हलालपुर गांव के एक जंगल में बरकत ने उन्हें रुकवाया था और पूरी रेकी कराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी बरकत और मेहरबान ने पूछताछ में बताया कि पंकज का अपने ताऊ के बेटे आनंद के साथ जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है, जिसका फैसला पंकज के पक्ष में आने वाला था। इसी बात को लेकर आनंद ने पंकज की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार कोर्ट के फैसले को लेकर आनंद परेशान था। एक शाम को आनंद और उसका नौकर मेहरबान बात कर रहे थे, तभी आनंद ने पूरे केस के बारे में बताया। आनंद ने अपने चचेरे भाई की हत्या करने की बात कही, जिस पर मेहरबान ने हत्या करने को लेकर मुजफ्फरनगर में रहने वाले अपने बहनोई बरकत से बात की थी। बरकत ने मेरठ में वसीम और आरिफ को 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने का कहना है कि 50 बीघे जमीन को लेकर ताऊ के लड़के ने 3 लाख रुपए में मेरठ के सुपारी किलर को अपने भाई की हत्या करने की सुपारी दी थी। मास्टरमाइंड आनंद अभी फरार है। 2 सुपारी किलर और 1 नौकर के अलावा एक और नौकर के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हलालपुर से ये सूचना मिली थी कि 2 शख्स आए हैं और उन्होंने वहाँ पे पंकज पुंडीर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन पे फायरिंग करी है। फायरिंग में वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, जो पंकज पुंडीर हैं वो बच गए और आसपास जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने घेराबंदी करके इन दोनों लड़के जो शूटर आए थे उनको पकड़ लिया। तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची, तुरंत पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो पूरा लिंक इस तरह से बना है कि ये जो 2 लड़के आए हैं वो इनका नाम है वसीम और आरिफ, ये रहने वाले मेरठ ज़िले के हैं, कैली गांव है वहाँ पे, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्हीं के जो वसीम है, वसीम और आरिफ को बुलाने वाला है इसमें बरकत। बरकत मुजफ्फरनगर मेबलाना का रहने वाला है और ये बरकत का ही रिश्तेदार है मेहरबान। मेहरबान ने ही बरकत को कांटेक्ट किया था इन दोनों लड़कों को बुलाने के लिए और मेहरबान ने ये पूरा का पूरा जो काम किया है वो आनंद के कहने पर किया है। आनंद इनका चचेरा भाई लगता है पंकज का और इनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है पहले से, पूर्व से। जी हाँ, वसीम और आरिफ का दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास है, चोरी के मुकदमे इन पर लिखे गए हैं, चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे इन पर हैं। और जब मैं बता रहा था आपको, ये पूरी जो प्लानिंग की गई थी आनंद के द्वारा की गई थी और ये तय हुआ था कि ये जब पूरी घटना हो जाएगी तो इसमें इनको 3 लाख रुपये मिलेंगे। 10,000 रुपये इनको एडवांस दे दिए गए थे जिन्होंने व्यवस्था करने के लिए। ये लोग परसों ही बरकत, वसीम और आरिफ ये परसों ही यहाँ पर हलालपुर में आ गए थे, रात को रुके थे और इनका रहने का इंतजाम सब मेहरबान ने किया था अपनी तरफ से। मेहरबान, बरकत, आरिफ और वसीम ये हमारे गिरफ्त में आ चुके हैं, इनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। और जो इसमें मेन जो मास्टरमाइंड है जिसके कहने पे हुआ था आनंद, वो अभी फरार है और उसको पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई। प्रॉपर्टी कितनी है इसमें? जी कुछ 50 बीघा जमीन बताई जा रही है जिसको लेके विवाद है।